आपका दुश्मन शैतान, ये देखो सचेत हो और जागते रहो, सो मत जाओ, अचेत मत हो जाओ, सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। अरे भाई साहब, वो आपसे भी ज्यादा घंटे काम करता है, आप कितनी घंटे प्रार्थना करते हो बताओ मेरे को, आप सोचो कितने घंटे आप प्रयासरत रहते हो अपनी आत्मा के लिए। ये आपका दुश्मन हमेशा प्रयासरत है आपको गिराने के लिए। आप अपने आप को संभालने के लिए कितने प्रयासरत रहते हो, कितने कवर्ड रहते हो आप, कितना आप अपने आप को। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बाइबिल ले ली तो फिर जो है मैं बाइबिल ही पढ़ता रहूंगा, फिर मैं कुछ नहीं करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रार्थना में बैठ गया उसके बाद निकलना ही नहीं मेरे को, नहीं, ऐसे आप शैतान से नहीं बचोगे। आप अपना दैनिक काम भी करें, आप प्रार्थना भी करें और दोनों में समानता बनाए रखें, चाहे आप काम करें तो भी आपकी प्रार्थना चलती रहे अन्य भाषा में, आप जो है कवर्ड रहें आपके अंदर, आप जो है अपने आप को ऐसे समझ लो कि जैसे एक एक कोई कोई चीज है जिसका जिसकी सेटिंग ऐसे की गई है कि उसको चाहे दिन धूप में रख दो या छांव में रख दो, बारिश में रख दो या जो है कहीं भी रख दो, किसी भी मौसम में रख दो, उसकी सेटिंग ऐसी है कि वो वही करती रहती है। ऐसे हो जाओ, अपनी सेटिंग ऐसी ऐसे कर लो कि चाहे मैं काम करूं तो प्रार्थना करूंगा, चाहे मैं जो है बैठूं, सोऊं, लेटूं, क्या बाइबल में नहीं लिखा है, उठते समय, लेटते समय, जागते समय, चलते समय, सब समय इन वचनों की चर्चा करते रहो, क्या नहीं लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है एफेसियन चैप्टर 6 वर्स 16 में कि आत्मा में सब तरह की प्रार्थना करते रहो, तो आपको खाली रहना ही नहीं है, यही तो है जागना। हालेलुया, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती कर किया करो। ये कौन करेगा, तो जोर मारता ना कई लोग। जब आप ये नहीं करते तो दूसरा तो काम कर रहा है ना, शैतान तो काम कर ही रहा है आपके विरोध में, फिर आपको घुटने में दर्द, फिर आपको कमर में दर्द, फिर आपको पेट में दर्द, फिर आपकी किडनी में दाग आ गए, दाग है, अब समझ लो तैयारी है खराब होने, फिर आपके जो सर्वाइकल प्रॉब्लम, फिर आपको शुगर प्रॉब्लम, फिर आपको जो है नाक बहरी, तो फिर आपका जो है फेफड़ा गया, फिर आपके जो है वो नसें गई, फिर आपको इधर दर्द उधर दर्द, मैं करूं तो क्या करूं। भाई साहब आप बैकस्लाइड हो रहे हो, इसलिए ये सब हो रहा है, आप देख नहीं रहे कि आपका दुश्मन आपसे भी ज्यादा घंटे काम करके आपको गिराने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आप जो परमेश्वर के बच्चे कहलाते, विश्वासी कहलाते, चर्च जाने वाले अपने आप को कहते, आपसे बाइबल तक नहीं पढ़ी जाती घर में रखी। बाइबल तक नहीं पढ़ी जाती है घर में रखी है, पूजा होती है बाइबल की बाहर से बस। परमेश्वर को बाइबल की पूजा से मतलब नहीं रहे, उसकी पूजा असली पूजा यह है कि उसे खोल और उसे पढ़, और उसे केवल पढ़ मत, उस पर चल, ढिठाई से चल, डिसिप्लिन्ड कर अपनी लाइफ को, अनुशासित कर अपनी लाइफ को, तब जाकर के शैतान से लड़ने लायक आप हो जाओगे, नहीं तो नहीं।